हे दोस्तों, जैसे जैसे हम 2024 की ओर बढ़ते जा रहे हैं, वैसे ही टेक्नोलॉजी की फील्ड में एक रैपिड ग्रोथ के साथ बहुत सारे न्यू चेंजेस भी आए हैं, जिसकी वजह से जॉब मार्केट में भर भर के न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। 2023 की अगर बात करें तो जेनरेटिव AI स्पॉटलाइट में था, वहीं 2024 में ये टेक्नोलॉजी पजल का सिर्फ एक टुकड़ा होगा। ग्रैंटनर के एक रिसेंट रिपोर्ट से ये पता चला है 2024 में बहुत सारे न्यू टेक ट्रेंड आने वाले हैं जो कि टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में डोमिनेट करेंगे, और आज हम उन्हीं में से 5 टेक ट्रेंड के बारे में डिटेल में जानेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि कौन से करियर ऑप्शंस आपको उन टेक ट्रेंड में देखने को मिलेंगे और कैसे आप सभी रिक्वायर्ड स्किल्स को सीख पाओगे। सो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, रिसेंट ग्रेजुएट हो या फिर 2024 में एक हाई पेइंग जॉब की तलाश में हो, इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, सो लेट एक्सप्लोर द टॉप 5 टेक ट्रेंड इन 2024। टेक ट्रेंड नंबर 1, जेनरेटिव AI। 2023 जेनरेटिव AI का साल रहा है। हमने इस साल बहुत सारे ऐसे AI टूल्स एक्सपीरियंस किए हैं जो कि इसी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, जैसे कि ChatGPT, DALL-E 2, Midjourney एंड मेनी मोर। सोचो जरा, जेनरेटिव AI आज मशीनों को ह्यूमन से ज्यादा क्रिएटिव बना रहा है, जहां मशीनें न केवल ह्यूमन इंस्ट्रक्शन को समझ पा रही हैं, बल्कि उसी बेस पे कंटेंट भी क्रिएट करके दे रही हैं। बात करें 2024 की, तो इस टेक्नोलॉजी का जो क्रेज है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के इस रिपोर्ट के हिसाब से जेनरेटिव AI के रैपिड अचीवमेंट की वजह से इंडियन e-commerce का जो लैंडस्केप है वो 2030 तक लगभग $350 बिलियन वर्थ का हो जाएगा, जो कि इस फील्ड में मिलियंस ऑफ न्यू जॉब्स भी क्रिएट करेगा। ओके, तो चलो अब समझते हैं कि कैसे इस फील्ड में करियर बनाना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। नंबर 1, इनोवेशन। इस फील्ड में आप रेगुलरली नए नए आइडियाज पे काम करोगे, जिसकी वजह से हर रोज आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। सेकंड इज ग्लोबल अपॉर्चुनिटी। जेनरेटिव AI का फील्ड ग्लोबल है, आप पूरी दुनिया पे अपने स्किल सेट को शोकेस कर सकते हो, साथ ही अलग अलग ग्लोबल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करने का आपको मौका मिलेगा। थर्ड बेनिफिट, फ्यूचर प्रूफ करियर। टेक्नोलॉजी का फ्यूचर जेनरेटिव AI से जुड़ा है, ऐसे में अगर आप इस फील्ड को चूज करोगे तो आप ऐसे फील्ड से जुड़ोगे जो कि रोज इवॉल्व हो रहा है, जिससे कि आपका जो करियर है वो फ्यूचर प्रूफ बनेगा। बात करें इस फील्ड के टॉप जॉब रोल्स की, तो AI रिसर्चर, कंटेंट क्रिएटर, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर एंड ऐसे मल्टीपल जॉब रोल्स हैं जो कि आपको इस फील्ड में देखने को मिलेंगे। ओवरऑल 2024 में एज अ करियर इस ऑप्शन को चूज करना आपके लिए बेस्ट होगा। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड टेक ट्रेंड, दैट इज डेटाफिकेशन। बेसिकली डेटाफिकेशन का मतलब है लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट, एक्टिविटी एंड इंटरेक्शन को डेटा में कन्वर्ट करना। इसमें डेटा को कलेक्ट, एनालाइज एंड यूटिलाइज करके मोर एक्यूरेट एंड ऑप्टिमाइज डिसीजन लेना शामिल है। चलो आसान भाषा में समझाता हूँ। आज हम सब स्मार्ट वॉच पहनते हैं जो कि हमारे हेल्थ पैरामीटर्स को मॉनिटर करता है। आज मार्केटिंग कंपनी ऑनलाइन यूजर के बिहेवियर को मॉनिटर करती है ताकि इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनाया जा सके। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां टेक्नोलॉजी का यूज करके डेटा को फाइंड किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है। इसे ही डेटाफिकेशन कहते हैं। आज के समय की सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लाइक AI, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, डेटा साइंस, हर जगह पे आपको डेटा का यूज दिखेगा। That means डेटाफिकेशन इज द बैकबोन ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी। आपको भी डेटा के इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखकर 2024 में अपना करियर सिलेक्ट करना चाहिए। इस फील्ड में आप कई करियर ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं, लाइक बिग डेटा इंजीनियर, रोबोटिक्स इंजीनियर, IT आर्किटेक्ट, BI एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एंड मेनी मोर। टेक ट्रेंड नंबर 3, रोबोटिक प्रोसेस एंड ऑटोमेशन। अभी इंडस्ट्री का 4th रेवोल्यूशन हमारे लिए नया ही था कि इंडस्ट्री 5.0 की शुरुआत भी हो गई है, और इस बार के इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में कोलाबरेटिव रोबोट्स पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। बेसिकली कोलाबरेटिव रोबोट्स एक स्पेशल टाइप के रोबोट्स होते हैं जो कि ह्यूमन के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। ओवरऑल कहना ये चाहता हूँ कि 2024 में हर बिजनेस अपने प्रोसेस को ऑटोमेट करने के ऊपर जोरों शोरों से काम करेगा, ताकि वो टेक एरा में सबसे आगे बना रहे। ऑटोमेशन के लिए जरूरत पड़ेगी रोबोट्स की। जैसे देखो, मिंट ने अपने इस आर्टिकल में बहुत ही अच्छे से समझाया है कि कैसे ऑटोमेशन इंडियन जॉब मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। यहीं पे एक लाइन मेंशन है जिसका मतलब है कि 53% इंडियन बिजनेस को वैसे कैंडिडेट मुश्किल से ही मिल रहे हैं जिनके पास उनके काम की स्किल हो। वेल, देखो, ऑटोमेशन की वजह से सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग जॉब्स पे खतरा आएगा, और साथ ही सबसे ज्यादा फायदा इंजीनियर्स को ही होगा, क्योंकि जितने भी न्यू जॉब्स क्रिएट होंगे वो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड होंगे। इस फील्ड में आपको जनरली AI इंजीनियर, प्रोग्रामर, रोबोटिक्स इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट एंड ऑटोमेशन इंजीनियर जैसे करियर ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आपको इस फील्ड पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए। ओके, सो अब बात करते हैं 4th टेक ट्रेंड की, दैट इज 3D प्रिंटिंग
और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है जिनका टारगेट है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब पाना। देखो 3D प्रिंटिंग से पहले क्या होता था, किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का यूज किया जाता था, लाइक कास्टिंग, मशीनिंग, असेंबली, etc। अब पुराने ट्रेंड में नंबर ऑफ मशीनें भी ज्यादा थी, नंबर ऑफ प्रोसेस भी ज्यादा था, बट जैसे ही एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग यानी कि 3D प्रिंटिंग की खोज हुई, वैसे ही वो सारी मशीनें एलिमिनेट हो गई, सारा प्रोसेस एलिमिनेट हो गया। अब जो काम है वो केवल एक मशीन दैट इज 3D प्रिंटर के थ्रू हो जा रहा है। आज 3D प्रिंटिंग इतना स्ट्रांग हो गया है कि चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, आप उसे बस एक मशीन के थ्रू कुछ ही मिनटों में या बहुत कम समय में बना सकते हैं। प्रॉब्लम की बात यह है कि पुराने ट्रेंड में नंबर ऑफ जॉब्स भी ज्यादा थे ड्यू टू नंबर ऑफ मशीन एंड प्रोसेस, बट इस बार जो जॉब्स की संख्या है वो काफी कम हो गई है क्योंकि नंबर ऑफ मशीन एंड प्रोसेस एलिमिनेट हुए हैं। बट इसका एक फायदा ये भी है कि जिनके पास 3D प्रिंटिंग से रिलेटेड नॉलेज एंड स्किल्स है, उनको मार्केट में काफी अच्छा रेट मिल रहा है उनके स्किल के बदले। अगर आपका गोल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जॉब पाना है या करियर बनाना है, तो आपको 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स को सीखना चाहिए। इस टॉपिक पे मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसपे कि आपको कुछ फ्री कोर्सेज भी मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब तक हमने 4 टेक ट्रेंड्स के बारे में जाना। 5वां टेक ट्रेंड है न्यू एनर्जी सॉल्यूशन, उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा अगर आप कमेंट में पार्ट 2 लिख के मैं अपना इंटरेस्ट शो करेंगे तो। आपके कमेंट से मुझे पता चलेगा कि इस टाइप की वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं, तो कमेंट जरूर करना। अब जान लेते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। तो देखो दोस्त, जो भी टेक ट्रेंड हमने जाना, 2024 में उन फील्ड में भर भर के जॉब अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, इसलिए इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्किल्स को सीखना शुरू कर दो। आप अपनी लर्निंग की शुरुआत फ्यूचर प्राइम स्किल के फ्री कोर्सेज के साथ कर सकते हो। साथ ही आपको NPTEL जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे कि आप सभी रिक्वायर्ड स्किल में एडवांस लेवल गेन कर पाओगे। मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में इन स्किल्स एंड इन कोर्सेज के ऊपर बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप उन वीडियोस को भी जरूर चेक करना। एट दी एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।